जी, हकीकत बात तो यह है कि दुआ को फराज़ पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए था। अब जो ये फराज़ की जो हकीकत है ना, ये बहुत जल्द इसकी बीवी के सामने आने वाली है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जी, जब फराज़ की हकीकत इसकी बीवी के सामने आएगी तो वो क्या रिएक्ट करेगी। मैं आपको बता दूं कि अभी तो ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है, तो भी हकीकत आएगी अभी फराज़ की ज़रूर सबके सामने, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। और कोई भी बंदा अभी फ़िलहाल इस बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि फराज़ ने अपना करेक्टर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा शरीफ और अच्छा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से दुआ की बातों पर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। हम ड्रामा में देखेंगे कि यहाँ पे नौशेरवान जो है ना, वो दुआ को प्रोटेक्ट करेगा और दुआ की मजबूरी बन जाएगी उसके साथ रहने के लिए। वो उससे शदीद मोहब्बत करने लग जाएगी, उसको तमाम तर इज्जतें हासिल हो जाएंगी भाई यहाँ पर नौशेरवान के पास। लेकिन नौशेरवान की फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और वो क्या प्रॉब्लम्स होंगी मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। फ़िलहाल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,